हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है और आई थिंक ऑटिज्म और एडीएचडी में सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे को काम डाउन करने का। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ये आती हैं, मैम आप इतना स्पेशल एजुकेशन पे बना रहे हैं, इतना स्पीच पे बना रहे हैं, इतना ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे बना रहे हैं, बट मेरा बच्चा जब बैठता ही नहीं है, उसके बिहेवियरल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, वो बैठेगा नहीं तो मैं काम कैसे करूँगा या करूँगी। तो आज मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूँगी, वो है डीप प्रेशर कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम उसको दे सकते हैं और किस किस को दे सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं बच्चे के और हम उसके क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डीप प्रेशर देना कैसे है, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगी। बट डीप प्रेशर के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग वेटेड ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हैं, वेटेड वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, हम लोग जिम बॉल से डीप प्रेशर दे सकते हैं, हम लोग कुशंस पिलोज से डीप प्रेशर दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो बच्चे का हाथ पकड़ के जब इस तरह से डीप प्रेशर दे सकते हैं। तो डीप प्रेशर एकदम से उसको शांत करने के लिए। अब डीप प्रेशर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं हम इस पे बात करेंगे। डीप प्रेशर जब हम बच्चे को देते हैं तो किन किन को देंगे, जिनको टेक्टाइल नीड्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट सीख करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा चिन बहुत दबाता है कहीं कहीं पर, या फिर हिटिंग कर रहा है दूसरे बच्चों में, चीज़ों में जाके क्रैश कर रहा है, सेंसरी सीकिंग जिसके बिहेवियर्स हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो माउथिंग और च्यूइंग करते हैं, स्लीप इश्यूज हैं, लिकिंग करते हैं, दूसरों को टच करते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी टचिंग का जो बिहेवियर है, बहुत सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं, हैंड फ्लैपिंग या फिर लाफिंग, इन सब स्टिमिंग बिहेवियर्स में, इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में जहाँ पर बच्चा प्रेशर सीख कर रहा है, टेक्टाइल सीख कर रहा है, उस केस में हम बच्चे को डीप प्रेशर देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब बच्चे को हमने सिचुएशंस मैंने एक्सप्लेन कर दी किस किस, मतलब इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ आउट ऑफ 100 अगर प्रॉब्लम्स हैं तो 90 प्रॉब्लम्स में डीप प्रेशर वर्कआउट करता है बच्चों को काम करने के लिए। अगर कोई भी स्ट्रेस है उसको, कोई भी एंग्जाइटी आ रही है, बच्चा घबरा रहा है, मेल्टडाउन्स आ रहे हैं, डीप प्रेशर सबसे अच्छी टेक्निक रहती है। अब बात करेंगे कि डीप प्रेशर के बेनिफिट क्या होते हैं। डीप प्रेशर जो है वो हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस और एंजाइटी को हम लोग कम कर सकते हैं। डोपामाइन और सेरोटोनिन फिजिकल एक्टिविटीज़ से, मैंने एक आपके साथ पिक भी शेयर की थी कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं तो ब्रेन रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है, जिससे अगर ब्रेन शांत है, फोकस्ड है, तो बच्चे में ठहराव आएगा, सेटिंग टॉलरेंस भी बढ़ जाएगी क्योंकि हम उसको टिका के बैठा पाएंगे, और फिर उसकी लर्निंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट रहता है। दूसरा जो डीप प्रेशर का बेनिफिट रहता है कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है, फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट मोड आता है कि बच्चे को या हमें भी एकदम से क्या होगा कि कोई चीज़ से हम लोगों को हुआ और एकदम से हम घबरा गए और हम या तो यहाँ करो या मरो वाला हो जाता है ना, और रिस्पॉन्स आ जाता है, हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। दूसरा पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये होता है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बड़ा ही सुस्त और बड़ा ही बच्चे को आप थोड़ा इनपुट दे रहे हैं, ज़्यादा इनपुट भी दे रहे हैं सेंसरी, तो उसको नहीं रियलाइज़ हो रहा, गर्म ठंडे का नहीं पता चल रहा कि गर्म है कि ठंडा है, या फिर जैसे सेंसरी सीकिंग और सेंसरी ओवरलोड की बात करें तो ये वो है। दोनों ही केसेस में भी क्योंकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली एप्ट नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर सिग्नल नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज रहते हैं। तो डीप प्रेशर जब हम देंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास प्रॉपर सिग्नल्स जाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। अब डीप प्रेशर का एक और बेनिफिट होता है, अगर मैं ऑटिज्म और एडीएचडी में बात करूं, बच्चों का एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल अराउजल रहता है, जिसकी वजह से
क्या होता है कि उनका एस्केलेटेड ब्लड प्रेशर रहेगा, जैसे ही उनको कोई भी सेंसरी ओवरलोड हुआ या कोई भी स्ट्रेस हुआ तो ऑल ऑफ ए सडन उनका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन जो है वो एस्केलेट हो जाएगा, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो एस्केलेट हो जाएगा, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो वॉक करना कम कर देगा, उसमें एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी और ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से ही मेल्टडाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि वो जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से। तो जब हम डीप प्रेशर देते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो उनका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनकी एक्टिविटी एकदम से एस्केलेट नहीं होगी, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी और सब कंट्रोल में रहेगा। तो जो वो अराउजल है जिसकी वजह से वो मेल्टडाउन आते हैं और हम लोग बोलते हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा मेरे बच्चे को मैं कंट्रोल कैसे करूं, वो वाला सिचुएशन नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको समझाया कि डीप प्रेशर से क्या क्या हम कंट्रोल कैसे होता है। अब डीप प्रेशर देना कैसे है उसकी वीडियो हम देखते हैं। इस तरह से जिम बॉल पे बच्चे को सीधा आपने लेटाना है, जिम बॉल को लेग्स पे, आप चाहें तो अपना थोड़ा बॉडी प्रेशर दे सकते हैं, अभी मैं खड़ा होकर उसको हल्का हल्का प्रेशर उसकी लेग्स पे दे रही हूँ। हमें स्टमक से ऊपर नहीं जाना है, अगर स्टमक से ऊपर देते हैं तो बिल्कुल लाइट वैसे ही हमें रोल करना है सिर्फ जिम बॉल को। जब मैं उसको उल्टा लेटाया है मैं अपना थोड़ा सा बॉडी वेट डाल रही हूँ उस पर, सो दैट उसको कामिंग इफेक्ट मिले और डीप प्रेशर अच्छे से जाए। तो इस तरह से हम डीप प्रेशर दे सकते हैं। डीप प्रेशर के लिए प्रिकॉशंस रहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं देना है, लाइक 45 मिनट्स का एटलीस्ट वेट करना है और फिर उसके बाद डीप प्रेशर देना है। सेकंड थिंग, हम कितनी देर तक देना है ये आप 4 to 5 मिनट्स दीजिए डीप प्रेशर। पहले आपने सीधा लेटा के दिया, आपने उल्टा करके दिया, 4 to 5 मिनट्स। कितने टाइम दे सकते हैं दिन में? 2 टाइम्स हम दे सकते हैं। और अगर आपके पास जिम बॉल नहीं है आप इस तरह से कुशन्स या पिल्लोज लेकर बच्चे के ऊपर रख सकते हैं और इस तरह से उसको प्रेस कर सकते हैं उसको डीप प्रेशर देने के लिए। और साथ ही साथ अगर ये भी नहीं है आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म का गद्दा, लाइट वेट गद्दा ले सकते हैं, उसको मैट के बीच में सैंडविच बना सकते हैं और फिर प्रेशर दे सकते हैं। तो बेसिकली डीप प्रेशर देना है। इस तरह से हम जिम बॉल से दे सकते हैं। अगर जिम बॉल नहीं है तो हम कुशन्स पिल्लोज का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वेटेड ब्लैंकेट्स और वेटेड एक्सट्रीम केसेस, जब बच्चे की बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो, उनको बहुत ज़्यादा नीड हो उस प्रेशर की, तो हम वेटेड ब्लैंकेट्स, वेटेड वेस्ट, और वो हमेशा हमें पीडियाट्रिक से या थेरेपिस्ट से सजेस्ट रिकमेंडेशन के हिसाब से ही लेनी है, अपने आप से नहीं लेना है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब बात आती है, ये तो जो एक्टिविटी है हम दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग में, नाइट में, बट हमें ध्यान ये देना है, इसमें कुछ एक प्रिकॉशंस हैं। जब भी हम डीप प्रेशर बॉल या कुशन्स के थ्रू देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है खाना खाने के 1 घंटे बाद दें, क्योंकि अगर टामी फुल है तो बच्चा अनकंफर्टेबल होगा और हो सकता है वॉमिट आउट भी कर दे। तो खाना खाने के तुरंत बाद, मतलब एटलीस्ट 45 मिनिमम 45 मिनट्स का गैप रखना है, ठीक है। तो दिस इज द मेन प्रिकॉशन। सेकंड प्रिकॉशंस, जो अपर बॉडी है फ्रंट में उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप जिम बॉल पे खुद का वेट दे रहे हैं तो लोअर बॉडी पे रखना है, अपर बॉडी पे सिर्फ जिम बॉल अगर ऐसे ऐसे करें विदाउट गिविंग योर वेट तो आप अपर बॉडी पे भी दे सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग टू रिमेंबर। ये नहीं है कि अपना वेट आपने अपर स्टमक से ऊपर नहीं देना है। अगर जिम बॉल बस ऐसे ऐसे फिरा सकते हैं, कहते हैं ना बस रोल ओवर कर सकते हैं, खुद का वेट उस पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। दीज आर द 2 प्रिकॉशंस। अब तीसरी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, अब जैसे हर टाइम हम लोगों के पास जिम बॉल या कुशंस नहीं होते हैं और कई बार मेल्टडाउन इतना ऑल ऑफ ए सडन आता है कि बच्चे को हम लोगों को काम डाउन कैसे करें उस केस में डीप प्रेशर के थ्रू। तो जब एकदम मेल्टडाउन आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा, बच्चा कंटिन्यूसली रो ही जा रहा है एंड आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट कीप क्वाइट, आप एकदम बोलना बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी बातें उसको नहीं समझ में आने वाली है, दैट इज अ मेल्टडाउन। अब उस केस में आपने क्या करना है, बस उसको पकड़ा और खूब कस के हक दे दी जोर से और फिर डीप प्रेशर देना है। मतलब डीप प्रेशर हो गया क्योंकि आपने टाइट हक करा है उसको, तो उससे उसको रिलैक्सिंग हार्मोन जो है डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होंगे और वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आएगा।
द नेक्स्ट थिंग, आपने टाइट हक दे दी, अब वो थोड़ा सा सांस ले रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा यस ही इज स्टार्टिंग रिलैक्सिंग. देन आपने डीप प्रेशर, ठीक है ना, ज्वाइंट कंप्रेशन नहीं, डीप प्रेशर हैंड्स पे, लेग्स पे, जोर जोर से, जोर जोर से डीप प्रेशर, सो दैट जो उसका फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो कंट्रोल कर पाए. आप जब ये 5 मिनट के लिए करेंगे, क्योंकि मैंने ये कृष्णव के साथ किया है, इतना ज़्यादा उसका ये चीज़ रहता था कि मेरे को यही चीज़ हेल्प आउट की है उस सिचुएशन में. अब उसके ये जो मेल्टडाउन्स हैं कम है, बट यही चीज़ हेल्प आउट करती है. तो ये सारा है डीप प्रेशर के बारे में. आई होप आपको ये बहुत यूज़ आने वाला है और बहुत हेल्प मिलने वाली है. डीप प्रेशर से टेक्टाइल इश्यूज और प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स इश्यूज भी डाउन आते हैं. तो ये हमें करना ही चाहिए, अपने बच्चे को देना ही चाहिए. और हाइपर एक्टिविटी इससे रिड्यूस होती है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल रहने वाला है आपके लिए. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.